नमस्कार, और मैं आप सभी लोगों को स्वागत करता हूँ ट्रैवल वाइल्ड पे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को, जो कि है दुनिया के सबसे सुंदर कीड़े के ऊपर। दोस्तों, पहले नंबर पर है पिकासो बग, जो कि ज़्यादातर साउथ अफ्रीका, इथियोपिया और कैमरन में पाए जाते हैं। इनका जीवन काल किसी को अभी तक सही से नहीं पता है। और दोस्तों, दूसरे नंबर पर है ऑर्चिड बी। ये ज़्यादातर साउथ या फिर सेंट्रल अमेरिका में देखने को मिलते हैं, और इनका जीवन समय होता है 3 से 5 महीने तक। दोस्तों, तीसरे नंबर पर है ऑर्चिड मैंटिस। ये ज़्यादातर साउथ ईस्ट एशिया, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया और इंडिया के वेस्टर्न घाटों में पाए जाते हैं। इस प्रजाति का एक पुरुष ऑर्चिड मैंटिस 5 से 6 और एक महिला ऑर्चिड मैंटिस 8 महीने तक जिंदा रह सकती है। दोस्तों, चौथे नंबर पर है हॉमिंगबर्ड मॉथ। ये स्पीसीज यूरेशिया में देखने को मिलती है। इनका कुछ स्पीसीज 3 से 5 हफ्ते तक और कुछ स्पीसीज 7 महीने तक जीवित रहती हैं। दोस्तों, पांचवे नंबर पर है एमरलैड स्वैलोटेल। ये साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और दुनिया के अलग अलग बटरफ्लाई हाउसेस में पाए जाते हैं। दोस्तों, इस प्रजाति के हर कीड़ों का जीवन काल होता है लगभग 1 महीना। दोस्तों, छठे नंबर पर है पांडा एंट। ये चिलियन स्कोरोफिल नामक एक जंगल में पाए जाते हैं और इनका जीवन काल होता है लगभग 2 साल। अब दोस्तों, नंबर 7 पे हैं रोजी मैपल मॉथ। ये ज़्यादातर उत्तर अमेरिका में पाए जाते हैं और इन कीड़ों का जीवन का समय होता है 2 से 9 महीने तक। अब दोस्तों, आठवें नंबर पर है लेडीबग। ये भी दोस्तों ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तर अमेरिका में पाए जाते हैं और इनका जीवन का समय होता है लगभग 1 साल या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा। अब दोस्तों, नंबर 9 पर है स्पाइनी फ्लावर मैंटिस। ये ज़्यादातर दक्षिण और पूर्व अफ्रीका में देखने को मिलते हैं और इनका जीवन काल 6 महीने तक का होता है। नंबर 10, मॉर्निंग क्लोक बटरफ्लाई। ये पूरे के पूरे उत्तर अमेरिका में पाए जाते हैं और यूरेशिया के कुछ भाग में भी पाए जाते हैं। इस तरह के कीड़ों का जीवन काल 10 से 11 महीने तक का होता है। नंबर 11, ग्रीन मिल्कवीड लोकस्ट। ये कीड़ा सबसे ज़्यादा अफ्रीका में पाए जाते हैं और इनका जीवन का समय होता है 2 से 8 महीने तक। नंबर 12 पे है ड्रैगन फ्लाइज। ये ज़्यादातर दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं।
जहाँ पर भी फ्रेश वाटर मिलता है। और दोस्तों इनका जो होता है लाइफ स्पैन यानी जीवन समय 7 से 56 दिन का होता है। दोस्तों नंबर 13 पर आता है सेक्रोपिया मॉथ कैटरपिलर, जो कि सबसे ज़्यादा उत्तर अमेरिका में पाए जाते हैं और इनका जीवन का समय होता है 1 साल। और दोस्तों नंबर 14 पर है थॉर्नबग, ये दक्षिणी फ्लोरिडा, उत्तर और दक्षिणी अमेरिका और मैक्सिको में पाए जाते हैं और इनका जो जीवन का समय होता है वो किसी को अभी तक सही से नहीं पता है। दोस्तों नंबर 15 पर है फिल्बर्ट विविल, ये वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलते हैं, ब्रिटिश कोलंबिया में, कनाडा में, कैलिफोर्निया में, एरिजोना और मैक्सिको उसके साथ यूनाइटेड स्टेट्स में भी देखने को मिलता है और इनका जीवन काल के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोगों को मुझे फेसबुक या इंस्टा पे फॉलो करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।